हेलो अरविंद डार्क लाइक स्टैक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग आयोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। जैसे कि मैं आप लोगों से बोल रहा था, नथिंग फोन 2 ए लॉन्च हो चुका है, वाले 2 हमारे पास है ऑलरेडी। सो व्हाट आर थॉट्स अबाउट फोन 2 और फोन 2 ए? आई थिंक दे आर बोथ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट? यू वांट द बेस्ट ऑफ नथिंग, ऑल द बेस्ट परफॉर्मेंस, यू पिक द फोन 2। यू वांट अ रियली वेल बैलेंस्ड प्रोडक्ट, फोन 2 ए इज ग्रेट। मतलब साफ साफ कहने का मतलब बजट फ्रेंडली लेना है, लाइक पॉकेट फ्रेंडली लाइक फोन चाहिए तो फोन 2 ए मस्ट बाय है। अगर उसको इन हैंड फील देखेंगे और किस टाइप से फोन परचेस करने लायक होगा या नहीं होगा वो सब भी देखते हैं, कभी फील लेंगे। और अगर आपको परफॉर्मेंस और सब कुछ वेल बैलेंस चाहिए तो उसके बाद फोन 2 ए सब मस्ट फोन होगा, पावर हाउस चाहिए। Right now we are using all products of Nothing, like yeah, and the Nothing Ear Stick also. So great, thank you so much for the support. Should we buy phone 2 a or phone 2 a? Depends, do you need a new phone? But you already said that this phone is much better compared to the performance. Yeah, it's two different price segments, right? So work on something to allow more people to test the products. गाइस फाइनली वो दिन है जब हम लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी से सामने लाइव देख रहे हैं और अभी पर्सनली मिलेंगे भी आते हैं। और प्लस हमारे कालपे का पूरा क्रू और पूरा स्टाफ यहाँ पर आया हुआ है, तो ओनर से यही बोला है कि S24 अल्ट्रा क्यों चला रहे हैं सैमसंग का, व्हाई आर यू यूजिंग सैमसंग? टेक्निकल गुरु जी को सामने देख रहा था जी, लग रहा है सामने बहुत अलग लग रहा है, कैमरे में तो गोरे दिखते हैं अभी काले। Watch is also coming. We'll see. Okay. We haven't said anything just yet about what's to come. Some news. I think already launched CMF sub-brand. CMF Watch. CMF Watch, yeah. We look into it. I think we're interested to find the right product. Like CMF, basically with CMF, we saw like a lot of opportunity for a very non-functional product. With like hardware, you see like watches with no hand symmetrical bezels. Software experience is really bad. For us, it was an obvious opportunity, you know, that we could make a much better product. Like I think Nothing Moto already make simple but perfect and make unique innovation. Design innovation fits into innovation, because when you think about design innovation, you're trying to kind of always innovate by itself, right? Like new perspectives, new ways of doing it. Software experience is a must thing. I think it all comes together, you know, we start with hardware. दोनों अपने अपने मतलब आइडेंटिकल लग रहे हैं। इसके बारे में बात करूं, नथिंग फोन 2
है जो हमारा पूरा ग्लास बॉडी का था, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिलती है फ्रंट एंड बैक में, और यहाँ का प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का कोई गोरिल्ला प्रोडक्शन नहीं आता, मगर जो भी है इसके जो आइकन मतलब कह सकते हो आइस जैसे लग रहे हैं पॉपअप करते हुए, यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर आता है और ये मतलब आप लाइव जब देखोगे तब आपको ज़्यादा समझ मेंटेन में आएगा। तो गाइस जैसे कि आप लोग कैमरा मॉड्यूल दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं, यहाँ की मुझे लग रहा है कि फोन 2 का थोड़ा सा बड़ा फील हो रहा है, 50-50 मेगापिक्सल के दोनों कैमरा है, फोन 2 में भी ऐसा ही आता है। जो परफॉर्मेंस के लेवल पे अगर चाहिए तो उसे कार्ल पे ने पर्सनली बोला है कि परफॉर्मेंस लेवल चाहिए, सब कुछ बैलेंस चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता किसी चीज़ से, तो यार गाइस फोन 2 मच बेटर होगा कंपेयर फोन 2 से ए के। फोन 2 ए उनके लिए सबसे बेस्ट है, पॉकेट फ्रेंडली फ़ोन देखना चाह रहे हैं, क्लीन यूआई चाहिए और फोन का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा शानदार चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, रिलायबल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, हार्डवेयर भी बढ़िया चाहिए, टाइट फोन चाहिए इन हैंड फील्ड में, और आप ज़्यादा मतलब रगेड टाइप यूज करो तो ठीक है, ग्लास नहीं है तो बैक में टूटने का चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाता है, फ्रंट में तो ग्लास मिलेगा ही मिलेगा डर में। एक काम करते हैं इसका यूआई चेक कर लेते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ रहेगा, लाइक जैसे कि डायमेंसिटी 7200 में मिलता है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो बिल्कुल सेम यूआई पड़ रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, एंड्रॉइड देख लेते हो किस एंड्रॉइड वर्जन का चल रहा है इस टाइम पे। जैसे कि सेटिंग्स में जाएंगे हम आपके जाते हैं लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट्स पर, तो ऑलरेडी एक अपडेट आ चुका है, रिज्यूम पर भी है, वाह वाह फोन आ नहीं पाया, पहले अपडेट्स वगैरह पहले आने लगते हैं तो ये अच्छी बात ना थी, इस चीज़ में रिलायबल है। कुछ बग्स थे जूम इन जूम आउट करने वाले वो भी इम्प्रूव कर दिए गए थे, जो फ्लक्चुएट मतलब एक जेली इफेक्ट आता है ना लेंस के साथ जब जूम इन जूम आउट करते हैं तो वो भी इफेक्ट को इम्प्रूव कर दिया गया था, देखते हैं यहाँ पर कैसा होता है, ये सब आपको देखने को मिलता है। सेंसर मैं ओपन करता हूँ, लाइक ये तो मेरा सेल्फी गंदा फेस हो गया, वाइड एंगल पर मैं ओपन करता हूँ, ये नथिंग फोन 2 है, ये हमारा फोन 2 ए है। तो फील्ड ऑफ व्यू कितना देखने को मिल रहा है फोटोज में देखते हैं पहले, तो एक एक फोटो लेते हैं, प्रोसेसिंग चल रही है। तो अभी फोन अभी नया लॉन्च हुआ है तो ऑप्टिमाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जैसे कि आप मेन सेंसर से 50-50 मेगापिक्सल से लेके देख लेते हैं एचडीआर कितना अच्छे से मेंटेन कर रहा है, मुझे साफ साफ देखने को मिला मेन सेंसर ना फोन 2 का थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लाइट को बैलेंस कर पा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो उसका मेन सेंसर ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है फोन 2 का, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर हो सकता है लेंस गंदा हो। सो गाइस वही हुआ, एक अगेन शॉट लेके देख लेते हैं, यहाँ पे फ़ोन ने अपना पावर दिखाया, अब देखते हैं डिटेलिंग कितना ज़्यादा सही आ पा रही है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट का थोड़ा सा नीड है, एक्सपोजर वगैरह को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है, इवन मुझे लग रहा है फ़ोन 2 एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग पकड़ रहा है, जो हनी कोम स्टाइल होता है ना लाइट्स के अंदर वो हम लोग अपनी आँखों से देख नहीं पा रहे हैं, हमारी आँखें अंधी होती जा रही हैं। तो बाय द वे काफ़ी अच्छा है, दो कलर वेरियंट आते हैं, ये चीज़ देखने वाली बात है, दोनों के सामने है मेरे, हमेशा लेने से पहले सोचना पड़ता था परचेजिंग करो उसके बाद देखो, एक दिन आएगा बेटा रिव्यू यूनिट्स आएंगे अपने पास। फोन आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ब्लैक भी पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मगर वाइट वन की बात हमेशा अलग होती है, फोन 1 भी मैंने वाइट ही परचेज किया था, फिर पहले ब्लैक फिर वाइट फिर अगेन वाइट फिर अगेन फोन 2 वाइट। अब इसकी क्लिप लाइट भी चेक कर लेते हैं, गाइस बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है क्लिप लाइट, अब देखते हैं नथिंग फोन 2 के साथ कैसा लग रहा है। तो जैसे क्लिप लाइट आप लोग देखना पड़ते हो यहाँ पे तीन लाइट एसेंशियल लाइट का भी एसेंशियल नोटिफिकेशन का भी सपोर्ट दिया गया, जैसे कि इसमें है तो ये इंडिविजुअल मिलेगा, और इसमें जैसे जोमेटो का टाइमर वगैरह वाला जो ऑप्शन है वो आएगा या नहीं आएगा समय साथ बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है मुझे, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि काल पे भैया यहाँ पर साक्षात आ चुके हैं, काल भैया काल डॉक्टर पता नहीं क्या क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर टेक्निकल पर सामान परचेज किया है, वो भी जा रहे हैं उनसे मिल लिया हूँ, और ये हमारे ईयर 2 जो ईयर स्टिक यूज़ करते हैं ना उसका डिज़ाइनर कौन है सामने बैठे हुए हैं, भाई बड़ा कूल लग रहा है बंदा, कपड़े देख रहे हो, सेल्फी कैमरा आप लोग देख पा रहे हो कि मैं अभी टेम्पर ग्लास इसका हटाया, टेम्पर ग्लास के बाद जो रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है भाई साफ देखने को मिल रहा है कि नथिंग फोन 2 काफ़ी ब्राइट मतलब डिटेलिंग के साथ फोटो निकाल के दिखा पा रहा है, और इसमें हमारा सैमसंग का बीच में ब्रांडिंग आ रहा है, ये गलत बात है, काल पे ने खुद से ये बात बोली है कि आप नथिंग फोन प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद सैमसंग यूज़ कर रहे हो, नथिंग यूज़ करो, तुम्हें नथिंग भी है ये भी है नथिंग फोन 1 भी है ईयर 2 और ईयर 6 सब दिखा दिया, यू आर ए ह्यूज फैन ऑफ नथिंग, मैंने कहा अच्छा लगा अप्रिशिएट कर रहा बंदा। तो
गाइस डिटेलिंग देखने को मिल रही है, एक एक काम करते हैं, सेल्फी लेके देखते हैं डिटेलिंग कितनी मिल रही है। ये छोटा सा कंपैरिजन आप लोगों के लिए भी हो जाएगा। नथिंग फोन 2A काफ़ी अच्छी डिटेलिंग निकाल के दे रहा है, जो कि मेरी आईब्रो दिख रही है साफ साफ मोटी मोटी और इसमें थोड़ा चिकना कर रहा है, जो कि इंडियंस को ज़्यादा पसंद है, एज लाइक मी ज़्यादा अच्छा लगता है ना, एकदम थोड़ा थोड़ा गोरा गोरा से दिखा देता है, तो डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और डायनेमिक रेंज देखा जाए तो फ़ोन 2 ने ज़्यादा अच्छे से मेनटेन किया है डायनेमिक रेंज कम्पेरेटिवली इसकी, तो काफ़ी अच्छा फोटो शॉट भी दिख लेते सामने। थर्टी 32 मेगापिक्सल और फोन 2 का स्नैपड्रैगन 8 Gen+1 दिख रहा है, डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, डायनेमिक रेंज बट नथिंग फोन 2 ज़्यादा अच्छे से निकाल रहा है, अभी प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज नहीं है, तो दैट्स व्हाई हो सकता है छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए। अभी क्या करते हैं, एक ह्यूमन शॉट लेके देख लेते हैं कैसा लगता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हो ना सामने, तो यहाँ डायनेमिक रेंज में साफ साफ देख रहे हो, कंट्रास्ट रेशियो साफ देखने को मिल रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन की बहुत जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा ब्राइटन कर दिया है वीडियो नथिंग फोन 2A में, नथिंग फोन 2 ने थोड़ा कॉन्ट्रास्ट रेशियो नेचुरल रखा है, क्लोज टू नेचुरल है, जो कि मेरे फेस से काफी ज्यादा रिजेंबल करता है, जैसे मेरा डार्क शेडो फेस मतलब लाइक ब्लैकी फेस है, जैसे वो जो भी बोलना चाहूँ ब्राउनिश डार्क ब्राउनिश। अब डिटेलिंग में देखते हैं क्या क्या फीचर है, टाइम स्लैप्स आता है, नैनो मोड़, मैक्रो आता है इसमें, एक्सपर्ट है, मैक्रो शॉट इसमें नहीं आ रहा है, मतलब फोन 2A में मैक्रो शॉट नहीं आता है। और देखते हैं 4K कितना वीडियो कितना सपोर्ट करता है, 1080 30 FPS, फोन 2A सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करता है 4K 30 FPS, जो कि एक्शन मोड वगैरह अवेलेबल है कि नहीं, एक्शन मोड इसमें शायद नहीं है, तो काफ़ी चीज़ मिस आउट करता है जो कि इसमें आते हैं, लाइक आपका एक्शन मोड है इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं आती हैं सेटिंग्स में, इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने कैमरे में कवर कर दी हैं। अब एक काम करते हैं बाकी डिज़ाइन के बारे में, ओवरऑल कैसा है, बिल्ड क्वालिटी है, ये सब चीज़ें कैसा लगता है फर्स्ट इंप्रेशन, अगर आप लोग कोई बड़े हैवी यूज़र नहीं होते फोन कैसा रहेगा आपके लिए, वो चीज़ भी देखना इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा इसका अट्रैक्टिव जो फीचर लगाना मुझे इसके बटन्स लगे, जो बहुत ज़्यादा टैक्टाइल है और जो कि मैट ब्लैक फिनिश देते हैं, मज़ा आ जाता भाई, और यहाँ ब्लैक कलर भी अच्छा लगता है, बट इसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह बहुत आ रहे हैं, इसे लोग रेडी यूनिट मतलब लाइक एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो फिंगरप्रिंट ज़्यादा आ रहे हैं, वाइट में ऐसा कुछ फील नहीं होता है, ये सब कुछ चीज़ें हैं, हाईलाइट को चेक करने के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों को ब्लैक अच्छा लगता है वाइट, कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, ब्लैक और वाइट। और गाइस मैं यहाँ पर ही बोलता हूँ कि अब मेहनत बहुत ज़्यादा करूँगा चैनल पे, और आप लोग जिस तरीके से मैं कंटेंट के लिए मेहनत करके एफर्ट्स लगा के मैं यहाँ तक आया हूँ, तो ऐसे ही मैं बहुत से कंटेंट्स के लिए करूँगा अभी, और अब फ्यूचर में नथिंग के साथ साथ काफ़ी टेक वीडियोस पे भी मेहनत करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को नथिंग फोन 2A और नथिंग फोन 2 का कंपेरिजन प्लस? हाल ने इस फोन को रिव्यू के चक्कर में हम लोगों ने बात की तो ऑफ कैमरा एक चीज़ बोली है कि हम लोग फ्यूचर में देखते हैं कि आप लोग क्या सपोर्ट दिखा सकते हैं टेक यूट्यूबर तौर पर, मतलब पर्सनली मुझे बताया, मैंने बात की, तो यार देखते हैं कितना हेल्प करेंगे, क्या क्या सपोर्ट दिखाने वाले हैं नथिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ये भी देखने वाली बात होगी।